जाड़ोल में एक बार फिर 20 वर्षों पुराने मानसिवकल बांध के विस्थापितों का मामला गरमाया गया है। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का आज जाड़ोल के मानसिवकल डूब क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदवास में रखा गया था, जहां बांध में पानी भरे हुए करीब 20 वर्ष हो गए हैं, पर आज तक कुछ किसानों का सरकार पुनर्वास तक नहीं कर पाई है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने गणेश पुरोहित के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित ज्ञापन भी सौंपा। वहीं सरकार से बांध में पानी खाली होने पर किसानों को खेती करने के अधिकार की मांग भी रखी। इधर शिविर में पहुंचे जाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने भी किसानों के हक में विधानसभा के आने वाले सत्र में मुद्दा उठाने की बात करी। आपको बता दें कि 1979 में उदयपुर को पेयजल आपूर्ति के लिए जाड़ोल के चंदवास व घोराणा ग्राम पंचायत में मानसिवकल बांध की नींव रखी गई थी, जो सन 2000 में पूरी कर ली गई। उसके बाद से ग्रामीणों द्वारा स्थानीय गांव में पेयजल आपूर्ति की मांग पर सरकार द्वारा जाड़ोल तहसील के 27 गांवों में पेयजल आपूर्ति शुरू की गई, जो देखा जाए तो औसत गांवों की संख्या से काफ़ी कम है। वहीं इस बांध में डूबे हुए किसानों के खेतों पर सरकार को पुनर्वास करना था, पर आज तक कई किसानों के पुनर्वास के अभाव में वह किसान खाने पीने सहित आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। सरकार द्वारा किसानों के इस मुद्दे पर आज तक ध्यान नहीं दिया जाने से यहाँ के किसानों में आज भी भारी रोष व्याप्त है। यहाँ के किसानों ने जमीन के लिए मानसिवकल निर्माण के समय करीबन 12 वर्ष तक आंदोलन भी किया, पर किसी भी मुद्दे पर इन किसानों के लिए सरकार प्रभावी रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाई है, जो वास्तव में सोचने का विषय है। पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे जिससे पेयजल पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, यहाँ के काश्तकारों ने सबने लिख करके शपथ पत्र दिया है कि हम पेस्टिसाइड का उपयोग ना करेंगे, फिर भी सरकार ने इनको जो ज़मीन खाली होती है पेटा कास्त है उसको हाँकने का अधिकार नहीं दिया, खेती करने का अधिकार नहीं दिया है। तो खेती का अधिकार सरकार को देना चाहिए। जब इन्होंने शपथ दे दिया कि हम पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करें तो कोई विषय नहीं आता। दूसरा, इसमें बहुत सारे किसान आ रहे हैं और सरकार किसानों के लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो क्या इन किसानों के लिए आप ये मामला विधानसभा में उठाएंगे? निश्चित रूप से, मैंने 2003 में भी जब MLA बनकर मैं गया था तो मैंने पहली बार विधानसभा में इस बात को उठाया था और उसके बाद में कुछ हलचल भी हुई थी। आज मुझे ध्यान में लाया है तो मैं निश्चित रूप से आने वाली विधानसभा में इस संबंध में सरकार से प्रश्न लगा करके पूछूंगा और फिर इस विषय पर किसी भी नियम में आकर के सरकार से जवाब पूछूंगा कि भाई इसके लिए आप क्या करोगे। और दूसरा विषय हमारे ध्यान में लाया गया है कि यहाँ पर एक आदर्श ग्राम पंचायत में एक PSC की स्वीकृति का एक लेटर मुझे दिया है, वो लेटर है 2016 का, और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने ज़मीन की डिमांड की PSC ने, CAC ने और ब्लॉक CAC अधिकारी ने, और उसके बाद में ज़मीन की कार्रवाई पूरी हो गई, ज़मीन अलॉट हो गई। अलॉट होने के बाद में भी PSC जो यहाँ पर खुलनी थी वो नहीं खुली, वो पता नहीं कहाँ कागज दब गए और किस कारण से दबे। ये सरकार को इस ओर ध्यान दे करके, इसे ये मैं काफ़ी दूर दराज का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पर PSC खोलनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, स्वास्थ्य सेवाओं का। तो इसके लिए भी मैं सरकार से पूछूंगा कि भाई क्या हुआ इस PSC का। मानसिवकल एरिया में दो बड़ी समस्याएं हैं, वो ये है कि एक तो जिन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया है और अभी तक पुनर्वास भी नहीं हुआ है, उन लोगों को, वो लोग जो है लंबे समय से, पिछली सरकार के समय से कल्टीवेशन राइट मांग रहे हैं, मतलब ज़मीन हकाई का अधिकार मांग रहे हैं, खातेदारी भी नहीं, तो उनको नहीं दिया गया है और न कहीं दूसरी जगह ज़मीन दी गई है। दूसरा जो मसला है कि यहाँ पानी जो सराउंडिंग किसान हैं वो मगरियों पर और छोटी मोटी खेती करके पानी लेने का जो अधिकार है वो अभी तक लिखित अधिकार नहीं है। ठीक है, हम काम में ले रहे हैं पानी लेकिन लिखित अधिकार नहीं है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो लोग बसे हुए हैं, पीढ़ियों से बसे हुए हैं, खेती चली गई लेकिन मकान हैं, तो उन मकानों के पट्टे भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए आज इस शिविर में हमने अप्लाई किया है, प्लस MLA साहब को कहा है कि इस पूरे मसले को आप विधानसभा ले जाओ और हमारे को न्याय दिलाओ।